वेलकम फ्रेंड्स, हम आगे चलेंगे। इसी सीन को हम और भी खूबसूरत बनाएंगे और आगे हम चलेंगे। और सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोटोशॉप में और कुछ इमेजेस हम बना लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, घर के सामने एक छोटा सा रास्ता बनाएंगे और यहाँ पर मेन रोड बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज एक एक्टर को उसी रास्ते के ऊपर हम वॉक साइकिल करें। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप के अंदर जाता हूँ। ये रास्ता मैंने बनाया हुआ है और कैसे बनाना है मैं आपको वन सेकेंड फिर से दिखाया था। अब जाएं न्यू फाइल में। सबसे पहले न्यू फाइल ले लें, कोई भी साइज़ आप ले लें यहाँ पर। और साइज़ लेने के बाद में एक सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा, एक रास्ता बनाना होगा। और वो रास्ता किस तरीके का होगा, लगभग सेम कलर आप जो भी चाहें चूज़ कर लें। और थोड़ा सा हम यहाँ पर एंड बी प्रेस करके क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको सेम लुक देने की कोशिश करते हैं रास्ते के। और यहाँ से बी मैंने प्रेस किया एंड आप अल्ट दबा करके जो इसका साइज़ है इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा टेक्सचर देने की कोशिश करते हैं। टेक्सचर के लिए मैं स्पेशल आगे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं इस बनाऊ से मैं कर लेता हूँ। तो इसको हम JPG करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ खास नहीं है। इसको आप नेम दे दें, JPG में एक्सपोर्ट कर दें। और एक हमें रोड की ज़रूरत होगी, तो रोड बनाने के लिए मेरे पास ब्लैक जो है बैकग्राउंड है इस समय, तो मैं इसको कंट्रोल बैक स्पेस किया, मैंने ब्लैक हो गया। और नाउ इजी आप यहाँ पर जो है वाइट कलर ले लें। और वाइट कलर लेने के बाद में आप यहाँ पर जो ये रोड के बॉक्सेस होते हैं आप इसको बना दीजिए। कंट्रोल बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी, एक ये तरीका हो सकता है कि आप इसको सेलेक्ट करते रहें बनाते रहें। दूसरा हो सकता है क्या, एक नई लेयर आप ले लें और यहाँ पर जाएं और एक नया सर्कल आप यहाँ पर बनाएं, सिलेक्शन दें और इसको कंट्रोल बैक स्पेस करें, कंट्रोल डी करें। अब ये एक नई लेयर है और एक कॉपी बन गई है। यहाँ से ये वाला टूल हम लेते हुए अल्ट हम दबाएंगे और इसके ऊपर हम जाएंगे, तो आप देख रहे हैं अभी ये सिंगल है। और जैसे ही अल्ट के साथ में मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर एक इसने कॉपी का निशान ले लिया है। और इसको हम पकड़ेंगे, आगे हम छोड़ देंगे, इसको हम पकड़ेंगे, आगे हम छोड़ देंगे, इसको हम पकड़ेंगे, आगे हम छोड़ देंगे। और ये ठीक है, और कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल से बेस करते हैं हम इसको और JPG ले लेंगे हम इसको। और आप कोई भी नाम आप यहाँ पर रख दें, तो मैं समय बचाने के लिए कोई भी नेम मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और सिंपल जाएंगे हम मीडियमर एंड प्रॉप। और यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक जो हमने ये पहले रोड एक छोटा सा रास्ता बनाया है, अब हम इसको इसके जो घर है इसके साथ में सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अभी ना, अभी हमें रेंडर नहीं निकालना है, तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। आप एक्स दबाएंगे और जो इसका लेफ़्ट क्लिक होता है उसको आप दबाएंगे और जेड दबा करके आप इसको स्क्रॉल करेंगे, तो ये आप अपने अनुसार सेटअप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और नाउ इसके साथ में इसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले ये जो ट्री है हम इससे पीछे ले जाएंगे, पीछे आ गए। ठीक है, और मैं इसको एक बार, चलिए मैंने इसको सेंटर किया है और मैं इसको इमेज को ही मैं घुमा लेता हूँ। राइट क्लिक एंड प्रॉप के एडिटर पे जाएंगे हम, और यहाँ से डिफॉर्म हमने लिया हुआ है। और अब हम इसको इस घर के साथ में सेटअप कर लेते हैं पूरा। ठीक है, ये जो होता है इसका बाहर निकलने का रास्ता, इसके साथ में हमने इसको सेटअप किया है। और थोड़ा सा हम इसको रोटेशन देने की कोशिश करते हैं, घूमता हुआ रास्ता होगा। ठीक है, नाउ मैं इसको थोड़ा सा
अच्छा, आपने जूम और स्केल करना है तो कोई भी विंडो खुली हुई होगी तो आपने उसको बंद करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। और उसको बंद किया नाउ, फिर वंस अगेन मैं इसको सेलेक्ट किया और फिर से प्रॉप की एडिटर डिफॉर्म पर हम जाएंगे और थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेता हूँ। ये सारे काम आप फोटोशॉप में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये घुमाना वगैरह। बस खाली मैंने आपको बेसिक, अगर कभी आपके पास कुछ आपने गूगल से लिया है या फोटोशॉप आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और थोड़ा सा सीन को अपने सामने लाने की कोशिश करते हैं। और नाउ फिर से हम जाएंगे यहाँ पर और अपने बैकग्राउंड को हम फिर से इंपोर्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड हमारा थोड़ी दिक्कत हो गई हमें लगाते हुए, तो हम यहाँ से सबके बैक इसको हम कर देते हैं और ठीक है। एंड यहाँ ठीक है, और इसको हम स्केल कर लेते हैं। रोड तो हमारी काफ़ी बड़ी भी रहेगी तो एंड इसको हम दो तरीके हैं, ये रोड पर आ रहा है मैन्युअली भी कर सकते हैं या फिर हम क्या करते हैं कर सकते हैं यहाँ से यहीं पर जाते हैं हम डिफॉर्म पर और बाकी आप आगे पीछे करके भी उसको कर सकते हैं, शेडिंग में जाकर भी और या फिर कुछ इस तरह से भी। अच्छा, समय बचाने के लिए मैंने कुछ फ्लावर बनाए हैं, कुछ फ्लावर हम लगा लेते हैं और फ्लावर हम लगाएंगे और मैंने बना रखे हैं पहले से ही ताकि समय और अधिक ना लगे। तो डेस्कटॉप पर जाएंगे और ये इमेजेस है मेरे पास फ्लावर की। आपके अगर लें गूगल से कुछ फ्लावर की इमेज ले लें और उसको आप फोटोशॉप में जा कर के एडजस्ट कर लें, ठीक है। देखिए इसमें जल्दी जल्दी में रह गया कुछ ना कुछ ब्लैक पार्ट रह गया फ्लावर में, तो आप क्या करें ये कुछ मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और कॉपी को मैं बना करके सेफ मैंने इधर रख दिया। नाव मैं इस पर काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये यहाँ से घर है। और ये वाली इमेज है इसको हम रखेंगे यहाँ, ठीक है। और या वेरी गुड एंड नाउ इसकी हम कॉपी ले लेते हैं फिर से एक और इसको हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक ही इमेज को मैं यहाँ पर स्केल कर लेता हूँ, इसको समय बचेगा और वेरी गुड। थोड़ा सा इसको हम रखेंगे, सीन को हम थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं और इसको हम रखेंगे और जो रोड है हमारी उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ताकि दिखाएं चाहिए प्रॉपर हमें। सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं, सब कुछ जो भी हमने दिखाना होता है, ठीक है। अब वो लाइट में ठीक है, वेरी गुड। ये रेंडर एरिया जो हमें दिखेगा उसको हम पूरा का पूरा सेटअप करना होता है हमें विंडो के अंदर, तो आप उसको चलिए थोड़ा सा हम जाते हैं रेंडर पर और यहाँ पर करंट फ्रेम पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या कितना हमें दिखेगा एक इमेज जिसने बना दी है यहाँ पर, ये आपके सामने एक सीन जो है बन के आ जाता है, ठीक है। इसको आप और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर एक सन लगा दें और सन को एनिमेटेड कर दें, सिंपल आप ट्रांसफॉर्म के जरिए कर सकते हैं और काफ़ी समय लगेगा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बनाएं अच्छा सा, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं या फिर आगे ही कोशिश करेंगे इसी सीन पे हम सन बनाने की। अच्छा, अब हमने लगभग सभी कुछ हो गया हमारा रेडी, एनिमेशन आप फ्लावर का आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको आप प्रॉप के एडिटर से फ्लावर को एनिमेट कर सकते हैं।